मैं डॉक्टर जतिन कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बार फिर से मेरे एक पेशेंट हैं जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम थी, पहले कई सालों से थी, तो आज हम उसके साथ हैं। तो उनको जो ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया तीन महीने पहले, वो आपसे उनको क्या क्या प्रॉब्लम थी या परेशानी थी, उनको कितना रिलीफ हुआ है अभी तक, वो हम इनसे बात करेंगे। ये हमारे पेशेंट हैं। आपका नाम क्या है मैम? राजबाला इनका नाम है। तो आपको क्या क्या परेशानी थी? मेरे को सांस की प्रॉब्लम थी, अस्थमा और बीपी है, शुगर है, काफी सारी बीमारियां हैं। तो कितने साल से थी वो आपको? देखो हो गया 15-20 साल, लगभग 15-20 साल। हाँ 15-20। तो ये परेशानी आपको लगातार थी उस समय कुछ? हाँ लगातार थी। आपने इससे पहले भी? हाँ, मेरा इलाज चला वो हॉस्पिटल से चलता था। तो उस इलाज से कुछ फर्क पड़ा था आपको? हाँ ज्यादा नहीं है, कम पड़ा था उसका। ओके हाँ। तो जैसे दोस्तों इन्होंने मुझे बताया था कि इनका बीपी पहले एकदम से हाई रहता था, लो होता था, तो उसके कारण से इनको जो अटैक होता था अस्थमेटिक, उस तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था उसके लिए, कि कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ही उसको मैनेज कर पाते थे उस समय। तो आपने मैम हमारे बारे में कैसे सुना? मैंने आपके बारे में इसलिए सुना कि मेरे हस्बैंड ना तुम्हारे उनके दो रिश्तेदार, तो उन्होंने ना बताया ओके भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है उनको। मेरे हस्बैंड फिर हम उनके पास गए, आपके पास आए। ओके फिर उनको दोनों ने प्रॉब्लम बताई, भाई ऐसे ऐसे लैट्रिन बाथरूम मिल जा सकती है, मगर चल कर बेड पर से इतनी सांस फूलती है, मतलब धसका सा सांस से फूलती है। तो फिर उन्होंने कोई दवाई बताई, तो फिर दवाई उन्होंने कहा भाई ये दवाई खिलाओ उनको, देखते हैं। फिर उन्होंने दवाई भेजी, तो फिर मैंने वह दवाई खाई, उससे मेरे को बहुत ही आराम मिला। तो लगभग कितना आराम मिला आपको उससे, मेरे इलाज से? काफी मिल गया। ओके काफी आराम मिला। तो मतलब इतनी शिकायत नहीं है जितनी जो पहले थी मुझे। ओके इससे जो आपको बीपी की प्रॉब्लम थी एकदम से हाई होता था, कम होता था? हाँ ये भी मुझे नहीं है। ओके ये भी बहुत मतलब थोड़ा ये बहुत मामूली सा हो रहा है, कभी मतलब बीपी मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया है। ठीक है। शुगर भी, और जो पहले सांस फूलती थी वो भी कम हो गई आपकी? हां वो भी कम हो गई। तो ओके तो शुगर था जो रहता था आपको, डायबिटीज थी, वो भी पहले से फर्क आया उसमें? बहुत फर्क आया। थायराइड था, थायराइड भी है ना, तो उसकी भी इलाज चल रहा ना, तो उससे मेरे को काफी आराम मिला। तो देखो दोस्तों इनको जो पहले थायराइड की प्रॉब्लम भी थी, बीपी का इशू था, ये जो हाइपरटेंशन होता था एकदम से, या बीपी हाई होता था, फिर बीपी लो होता था, एस्थमेटिक अटैक होता था इनको, तो उसके कारण इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। लेकिन हमारे इलाज के बाद इनका काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इनको, पहले से जो बीपी की प्रॉब्लम इनकी ख़त्म हो चुकी है, शुगर में भी काफ़ी, जो डायबिटीज़ में इनको काफ़ी आराम है पहले से, और जो थायराइड की प्रॉब्लम थी उसमें भी काफ़ी आराम है इनको। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं भाई, हम जैसे आपको कोई अस्थमेटिक प्रॉब्लम या एलर्जी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपको नज़ला रहता है, साइनस बोलते हैं जिसको हम, उसका है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माइग्रेन है अगर आपको, या स्किन एलर्जी है, उसमें भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आप जल्द से जल्द ठीक हो इसमें और आपको आराम हो सके। और जो मैम हमारे साथ आज इस समय है, ये दिल्ली के पास में गाजियाबाद में रहते हैं, तो यहाँ से वो इलाज लेने के लिए अलवर आए थे। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। हम आगे जैसे और कंटिन्यू रहेगा आपका ट्रीटमेंट, आप उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा आगे आने वाले समय में। अगले थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चले, थोड़ा सा हमको लगता है कि ट्रीटमेंट लंबा चल रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है एकदम से। देखो जो दवाई होती है उनको काम करने में टाइम लगता है थोड़ा सा। अब जो 15-20 साल की प्रॉब्लम हो गई है हमारे शरीर के अंदर, वो धीरे धीरे ठीक हो रही है इस समय। जितना आप बता रही हो जैसे आराम हुआ मेरे को, इतना भी आराम होता है बहुत बड़ा होता है, जिसके हाँ जी। तो इनका जो घर है वो भी चौथी मंजिल पर है आपके? हाँ आराम से चढ़ जाते हैं। तो आप चढ़ जाते हो, पहले नहीं चढ़ पाते थे आप? ना कम चढ़ते थे ना, सांस बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और जिसको सांस फूलती है आप भी समझ सकते हैं कि वो कुछ काम भी नहीं कर सकता, सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकता, नॉर्मल काम भी नहीं कर सकता। अगर आप खाना बना रहे हो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा, उसके अंदर खाना, घर की साफ सफाई में भी आपको बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा उस समय।
जो सांस हमारी खुलनी स्टार्ट कर देती है एकदम से। अब इनको बहुत आराम है। और आपको भी कोई इंक्वायरी हो या क्वायरी हो आपकी? मैं तो खाना भी तीनों टाइम बनाती हूँ। आप परेशानी नहीं होती ना? देखो दोस्तों, तीनों टाइम खाना बनाती हूँ। अब इनको बहुत आराम है पहले से। ओके दोस्तों, आपने अपना टाइम दिया मुझे। और जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कि जो भी आने वाली जो भी कुछ वीडियोज़ होंगी मेरी और जो पहले की जो मेरी वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। अगर इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए इस प्रॉब्लम के रिलेटेड जो मैडम की थी, अस्थमेटिक या साइनस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, कोई भी आपके नोन में है ऐसे जिनको ऐसी परेशानी है, तो आप इजीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।